नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ब्लाउज़ के नाप को बता देता हूँ आप लोगों को। ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 10.5 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है इसका 28 इंच, सामने गला है 6 इंच और पीछे गला इसका है 10 इंच। देखिए, इसमें मैं आस्तीन का नाप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आस्तीन का कटिंग कैसे करना है उसे पूरी डिटेल से मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको आस्तीन की कटिंग में कोई समस्या नहीं होगी। और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये डायरेक्ट कपड़े से लिया हुआ नाप है, इसीलिए मैं इसको एज इट इज़ ही कटिंग करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें बैक पोर्शन की कटिंग पहले करूंगा, उसके बाद इसमें सारा मार्जिन ऐड करके सामने पल्ले की कटिंग करूंगा, और जिससे कि हम जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो उसमें और कोई भी मार्जिन उसमें ऐड करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद ही आप कपड़े में कटिंग करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हमसे गलतियाँ हो सकती हैं तो हम पेपर में उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कपड़े में कटिंग होने के बाद हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। पहले आप कन्फर्म हो जाइए कि हम जो कटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद ही आप कपड़े में कटिंग करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्लाउज की लंबाई में आता हूँ। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच। इसमें 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है, इसे मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ। आप हमेशा सीधी रेखा खींचने के लिए स्केल का भी उपयोग करें, क्योंकि जितनी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उतनी ही फिनिशिंग से ब्लाउज की स्टिचिंग होगी। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। क्योंकि शोल्डर इसका 10.5 इंच है, तो मैं इसका 10.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच, मैं इसमें 5.25 इंच में निशान लगा रहा हूँ, और 5.25 इंच में इस साइड ऐसा निशान लगा रहा हूँ। अब इसे भी हम सीधा रख खींच लेते हैं। अब आते हैं हम गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव में इसमें 36 इंच सीना है, तो 2.5 इंच ले रहा हूँ। अब 2.5 इंच हम इधर ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि ये बैक पल्ले का कटिंग हो रहा है, इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। क्योंकि बैक गला हमारा 9 इंच डीप है, तो मैं इसमें 9.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। इसमें 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिंग है, और इसे मैं राउंड ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। तो देखिए, ये बैक पोर्शन का गला ड्रा हो चुका है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए, आर्म होल मैं इसमें ले रहा हूँ 5.25 इंच। आप ध्यान रखेंगे, हमेशा आर्म होल को छोटा ही कटिंग करें। सिलते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्म होल हमारा छोटा है आस्तीन के अकॉर्डिंग, तो आप उसे कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से इसको बड़ा काट लेंगे या नाप के अकॉर्डिंग काट लेंगे बिल्कुल, तो हो सकता है कि ये सिलाई करते वक्त ये आर्म होल हमारा बड़ा हो जाए, तो आस्तीन लगाने में हमको प्रॉब्लम होगी। आस्तीन को हमेशा नरम हाथों से नम दे के लगाया जाता है, खींच के नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे, आस्तीन कभी भी हमारी खिंचानी नहीं चाहिए, अगर खिंचाएंगी तो यहाँ पर हमारा रिंकल्स आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सीना में। तो सीना हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होता है 9 इंच, और इसमें मैं 1.5 इंच हमारा ढीला और टाइट करने के काम आता है। अब आते हैं हम इसके कमर में। तो कमर इसका है 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। 1 इंच मैं इसमें पीछे पल्ले में जो डॉट पड़ता है उसका मार्जिन ले रहा हूँ। और देखिए, पीछे पल्ला परफेक्ट कैसे कटिंग करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि ऊपर आई बटन में है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग कैसे करना है उसे देख के आप सीख सकते हैं। अब आते हैं हम इसके मार्जिन में। तो मैंने ऊपर भी 1.5 इंच मार्जिन लिया हुआ था, तो मैं 1.5 इंच मार्जिन नीचे भी ले रहा हूँ। अब इसे हम सीधा खींच लेते हैं। ये हमारे मार्जिन है, ये ढीला टाइट करने के काम आता है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग के लिए मैं देखिए शोल्डर से अंदर की ओर 1/2 इंच अंदर एक लाइन खींचा हूँ। अब देखिए, हमें यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में, ध्यान से देखेंगे आप, इस कॉर्नर में 1 इंच में ऐसा निशान ले लेना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व को हमको
ऐसा सेट करना है कि ये 1 इंच में जहां हमने निशान लगाया वो बिल्कुल आके इसमें मिल जाए। तो देखिए ये इसमें आके मिल रहा है, अब हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट सामने पल्ले की गहराई हो गई है। अब इसमें हम बैक पोर्शन की गहराई लेंगे, तो यहीं पर से टेप रख के हमको 1.5 इंच में ऐसा मार्क कर लेना है। ये इसे भी फ्रेंच कर्व में हमको ऐसा सेट करना है कि बिल्कुल आके देखिए ये हमने निशान लगाया था 1.5 इंच में, आके बिल्कुल यहां पर सेट हो जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारा आर्म होल ड्रा हो गया है। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। देखिए इतना कुछ ड्रा होने के बाद अब हम इसे कट कर लेते हैं। बैक पोर्शन कट हो गया है, अब हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने एक अलग से पेपर ले लिया है। अब क्या करना है, देखिए इसको हमको, देखिए मैं इसको बीचों बीच, अभी बड़ा पेपर है तो बीचों बीच अभी इसको ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड भी इसकी मार्जिंग लेनी है और इस साइड भी मार्जिंग लेनी है और थोड़ी सी नीचे भी लेनी है। तो इसकी वजह से हमको चारों तरफ से इसको हमको ड्रा कर लेना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अब क्या करना है, तो सबसे पहले मैं इसमें गले का निशान लगा लेता हूँ। तो गला मैंने फैला आउट 2.5 इंच लिया हुआ था, ये 2.5 इंच में, सामने गला 6 इंच था तो मैं 6.5 इंच में इसको निशान लगा रहा हूँ। देखिए इतना होने के बाद अब क्या करना है हमें, तो इसका मेन डॉट पॉइंट निकालना है। तो देखिए डॉट पॉइंट मैं इसका 10.5 इंच में ले रहा हूँ, क्योंकि 36 इंच सीन है हमारा। अब देखिए डॉट पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो सीने के 10वां भाग रहता है, तो इसका सीना का 10वां भाग करीब करीब 4.25 इंच होगा। तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच में ये ऐसा निशान लगा लिया हूँ, और इस साइड भी मैं 4.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सीधा इसको लाके मिला देता हूँ। देखिए अभी मैंने इसमें कोई भी मार्जिंग ऐड नहीं किया है, अब हमें इसमें डॉट का मार्जिंग ऐड करना है। तो देखिए अगर मैं 3.5 इंच का इसमें डॉट यहाँ पर लेता हूँ, देखिए ध्यान रखिए इस साइड, तो क्या होगा, ये जो डॉट है ये तिरछा हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा इस साइड की ओर। तो हमें क्या करना है, डॉट को दोनों तरफ एडजस्ट करना है, इस साइड पर एडजस्ट करना है हमको, इस साइड पर एडजस्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसका डॉट मैं 3.5 इंच में लेना है, तो मैं इसको 2.25 इंच इस साइड और 2.25 इंच इस साइड, ये देखिए ये टोटल 3.5 इंच का डॉट ये हमारा हो गया है। अब देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको इस साइड से मैं स्केल से लाके ऐसा मिला देता हूँ ये, लेकिन इस साइड मैं सीधा नहीं लूँगा, ध्यान रखेंगे मैं इस साइड सीधा नहीं लूँगा। कारण क्या है, अगर इस साइड सीधा लूँगा इसको तो ये बिल्कुल डॉट जो है पब जो बनेगा वो एकदम नोक वाला पब बनेगा, तो हमको नोक वाला पब नहीं बनाना है, हमको बिल्कुल राउंड शेप में बनाना है। तो क्या करना है उसके लिए, देखिए मैं फ्रेंच कर्व से इसको कैसा राउंड ले रहा हूँ, जैसे कि हम प्रिंसेस कट में लेते हैं जिस प्रकार से, मैं उसी प्रकार से इसको ले रहा हूँ। ये देखिए इसको मैंने राउंड इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप में पॉप बने, इसकी वजह से। देखिए अब मैं इसको ऐसे काट के बाहर निकालता हूँ तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ही तिरछा हो जाएगा, तो हमने जो यहाँ पर 2.25 इंच यानी कि यहां पर से इस दूरी में 2.25 इंच लिया हुआ था, तो हमको इस साइड 2.25 इंच बढ़ा लेना है। देखिए ये 2.25 इंच, और इसमें मैं 1/4 इंच सिलाई मार्जिन ले रहा हूं हुकाई के लिए, और इस साइड भी मैं 1/4 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले रहा हूं, ये हमारी हुकाई के लिए सिलाई मार्जिन है। अब इसको हम यहां पर लाके ऐसा मिला लेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि मैं कहां पर क्या क्या निशान लिया हूं। अब देखेंगे कि ये जो पोर्शन है इसको हमको 1/2 इंच करीब करीब नीचे ले लेना है, देखेंगे यहां पर, और इसको यहां से हम ऐसा सीधा कर लेते हैं और यहां पर इसको लाके ऐसा मिला लेते हैं जहां पर ये हमारा, ये देखिए ऐसा, क्योंकि डॉट पड़ने के बाद ये जो पोर्शन है हमारा खिंचाता है, इसकी वजह से मैं इसको हल्का सा इसको 1/2 इंच करीब नीचे ले लिया है।
अब हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं ये कितना इंच है। तो देखिए ये करीब करीब 5.6 इंच है, तो हमको इस साइड से भी ऐसे नाप लेना है। ये 5.6 इंच कहाँ आ रहा है, ये 5.6 इंच करीब करीब आधा इंच ये नीचे होने पर आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐसा नीचे ले लेते हैं। देखिए मैंने इसको करीब करीब आधा इंच दोनों तरफ से नीचे उतारा हुआ है। अब हम बैक पोर्शन को इसमें नाप लेते हैं कि ये नीचे कितना इंच था। तो देखिए ये 9.5 इंच है ये बैक पोर्शन, तो ये डॉट का गेप को छोड़ के ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला हमारा 9.5 इंच होना चाहिए। तो देखेंगे मैं हुकाई का जो मार्जिन है उसको छोड़ के नाप रहा हूँ, तो ये 3.5 इंच हो गया और यहाँ पर से 3.5 इंच को छोड़ के फिर यहाँ नापना है, तो ये 9.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पर इसको भी यहाँ पर से हम ऐसा सीधा कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लेना है और ऊपर के साइड में हमको कोई मार्जिन नहीं लेना है, इसको लाके डायरेक्ट इसमें ऐसे मिला लेना है। तो देखिए ये हमारा सामने पल्ला तो बिल्कुल डॉट का जितना भी मार्जिन ऐड करना था हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें सामने पल्ले की गहराई को ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पर से देखिए मैं बिल्कुल हर चीज़ को नाप के ही कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से नाप के ही करना है, अंदाज से कोई भी काम नहीं करना है। मैंने 5.25 इंच में आर्म होल लिया हुआ था इसका, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर से मैं इसको आधा इंच ऐसा निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि आधा इंच में ही हमने फ्रेंच कर्व से इसको लिया हुआ था। ये देखिए ये हो गया है कम्प्लीटली, मैंने इसमें सारा मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। सामने पल्ला कट के हमारा रेडी हो गया है। इसमें जो पब बनेगा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बनेगा, यानी कि इसमें बिल्कुल भी नोक नहीं बनेगा, परफेक्ट बिल्कुल राउंड शेप में, जैसे प्रिंसेस कट में जैसे हम पफ आता है वैसी इस ब्लाउज में भी बिल्कुल वैसी ही पफ आएगा, और ये सिलने में भी बहुत आसान होता है और फिटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आती है। आप बिल्कुल इस कटिंग को ट्राई कीजिए, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से सिंगल डॉट की ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।